सुशांत सिंह राजपूत के मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। रिया के ड्रग कनेक्शन के बाद अब सुई सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी पर अटक गई है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को बुधवार को पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश किया गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। तो क्यों श्रुति से एनसीबी ने नहीं की पूछताछ, देखिए इस रिपोर्ट में। रिया का ड्रग कनेक्शन मिलने के बाद सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी भी अब कटघरे में आ गई हैं। उन्हें पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुलाया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें वापस भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एसआईटी टीम का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकल गया था। एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने एक बयान में कहा कि एनसीबी एसआईटी टीम के एक सदस्य कोविड जांच में कोविड पॉजिटिव निकला है, जिसका एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अभी मिला है। एहतियात के मद्देनजर एसआईटी के अन्य सदस्यों की भी जांच कराई जाएगी और सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में एनसीबी अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और कई अन्य को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने शोविक, मिरांडा और कई अन्य लोगों को कथित ड्रग चैट के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था। तो अब देखते हैं कि श्रुति की बातचीत के बाद ये मामला तह तक पहुंचता है या फिर इसमें कोई नया एंगल निकलता है। एंटरटेनमेंट लाइव की रिपोर्ट।